जिवें ना एक बार गुरु अंगद देव महाराज के समय प्यारे उन्हें देखिया खडूर साहब उन्हें कि बड़ा महाराज के घर जिहड़े सेवादार ने ना बड़े खुश जे रहिंदे उन्हें वेख्या तो उहदे मन विच ख्याल पैदा होया करे कि कदे इदां मैं भी खुश रहा कर आ खुशी मैनू भी चाहिए किसी वल वेख के आपां हुंदा ही है तुसीं कदे देखियो तुसीं मान लो किसी नूं हसदा वेखो ना तुसीं मान लो किसी दे परिवार विच खुशी देखो तो सुभाविक ही साडे मन च ख्याल आ जांदा कि आ खुशी मेरे परिवार विच भी चाहिए आ वाला हासा मेरी जिंदगी विच भी चाहिए इदां आ जांदा तो वह जिहड़ा सज्जण है तो उहने देखिया जो महाराज के प्यारियां नूं सेवा कोई कर रहा जोड़ा झाड़ रहा है तभी वो वाहिगुरु के गुण गाँवदा बर्तन धो रहा है तभी वाहिगुरु के गुण गाँवदा एक दूजे नूं मिलते ने हस के मिलते हैं मन में बड़ा चाओ पैदा होंदा है वेख के तो हुण एक सज्जन नूं पुछिया कहिंदा आ जिदा तुसीं मिलदे गिलदे हो गल्लां करदे हो इदां दा मैं भी बनना चाहुंदा पुछिया वो कहने लगे जी इदा का बनना चाहना तो एक बार महाराज जी दे तू सनमुख जा महाराज जी मिल एक बार जाके हुण सतगुरां नूं मिलन वास्ते गया सतगुरु जी प्रवचन करदे ने सुनियो जी महाराज जी कथा करदे ने ते संगत बैठी चलदी चलदी कथा दे विच गुरु अंगद देव महाराज जी कहिंदे भाई कई बार साढ़े मन च ख्याल आ जाता है कि असी दूजिया वर्गे बन आ देखियो हुण उहदे अंदर दी गल लगी जे शुरू हो घट घट के अंतर की भले बुरे की उहनूं जदों इदां लग्या ना महाराज ने कहा भाई कई सोचते ने कि जिहड़े हसदे ने खुश रहिंदे ने असी भी इन्हां वर्गे हो जाइए पर भाई जे उदां दे बनना है ते तैनूं अपने माड़े कर्म छड्डणे पैणगे बुरियां आदतां तैनूं छड्डणियां पैणगियां इदां सुन लिया ते उहदे मन विच इक ख्याल आया कि मना महाराज जी ने इशारा कर दिता बेनती करदा हुंदा ना जिहड़ा समझण दे मूड विच आया उहनूं ते फिर इशारा ही बहुत है समझ जाणा जी उहने गल कि गल की चलदी उहने मन विच ख्याल पैदा हो गया कि ये गल तो मेरी चलती है तो मना कि चल हुण पहला बुरी आदत ही छड्डनी है बुरा ख्याल ही छड्डना घर आया घर आके कहिंदा भगवान ने अज तो बाद मैं चोरी नहीं करिया करनी घरवाली नूं कहिंदा वो कहिंदी जी मैं तो कदों दी रोकदी सां तुहानूं भी अपनी मेहनत करिया करो अपनी किरत करिया करो काम कार को करो एवें क्यों तुसी लोकां दे घरां च चोरियां करदे जे समान चोरी लियांदे जे ते कहिंदी चंगी गल है छड्ड दिओ कहिण लग्गिया भगवान ने अज तों बाद नहीं करनी उह महीना कि निकलिया समा निकल गया महीने क दा ते रोज़ हुण जांदा है सेवा करन पर उह खुशी अजे भी नहीं है हुण फिर सोचदा है भी हुण करां ते करां की हुण एक दिन आया कि घरों ही सोचता जाता है कि अज मैं महाराज जी नूं पुछना है कि महाराज मैं बुरी आदत ते छड्ड दित्ती माड़ा कर्म करना ते छड्ड दित्ता महाराज खुशी मैनू अजे भी मिली नहीं है वह जदों सोच के आया संगत विच बैठा कई बार तुसीं भी नहीं इत्थे कहिंदे हुंदे कि आ मन दा अज सवाल सी कथा चलदी जी सानूं जवाब मिल गया उहदा मतलब यह नहीं कि मैं तुहाडे दिल दीआं जाणदा तुसीं जिस वाहिगुरु दे कोल आए हो वह तुहाडे दिल दी बोलदा वह है वह अलग गल कि मुख मेरा है फर्क इन्ना कि बोलदा तो उही है तुहाडे अंदर दा जिहड़ा जवाब है वाहिगुरु सवाल है जवाब वह दे दिंदा तुहानूं किसी कथा दे राहीं आ गया जां कोई ना कोई टॉपिक इदां दा चल पिया तो वह सोच के आया तो जदों हुण आण के बैठा तो महाराज जी ने चलदी चलदी कथा दे विच फिर गल शुरू हो गई गल की शुरू हुई महाराज कहन लगे भाई ठीक है चंगी गल है बुरियां आदतां छड्ड दित्तियां ने माड़े काम करने छड्ड दित्ते ने पर जेडे काम माड़े करके समान इकट्ठा कीता उह ते जे घरे ही है ना आखो सतनाम श्री कहिंदे उह ते जे घरे ही पिया है ना उह ते वरतदा ही है घरे अजे
कहिंदे जिन्नी देर वह नहीं घरों जाएगा उन्नी देर सुकून मिलने वाला, फिर ये गल दिल से लग गई होनी। फिर उन्ना की ने टॉपिक सुनिया तो उठ खड़िया बिच बस वापस घरे आ गया। हुण देखो जी जिन्हें मनना है जिन्हें तुरना है, नहीं तो उदा तो आप कथा बथेरी इतने कीर्तन के करी जाने, किन्ने साल तो कथा चलती हुई आ रही है। घर गया कहिंदा भगवान ने आपां तैनूं याद है कि आ जिहड़ी मझ दा दुध पीने आ घर विच तैनूं याद है कि मैं कदों दी लैके आंदी आ। कहन लगी जी याद है मैनूं लगभग 2.5-3 साल हो गए ने, तुसीं किसे दे घरों चोरी करके लिया सी। हुण सुणिओ जी, कहिंदा चोरी करके लियाए आ, हिसाब ला के आपां किन्ना दुध पीता है, सारा हिसाब ला किन्ना दुध पीता है। ते जिदन चोरी करके लियाए सी नाल उहदा इक बच्चा सी छोटा जिहा, वह बच्चा भी हुण वड्डा हो गया। अगे मज फिर अगे उन्हें एक बच्चा होर दे दिता, उन्हें सारा हिसाब किताब ला के कह लग्या ले कुछ नकदी पैसे दे दे, कुछ गहने दे दे। वह हुण एक मज दो जिहड़े एक बच्चा वड्डा हो गया एक छोटा, वह लैके तो उस जिमीदार के बूहे चलिया गया जिथों चोरी करके लियाया सी 3 साल पहला, उत्थे ही चलिया गया जी। जदों उत्थे गया वह जिमीदार नूं मिलिया, कहन लग्या आ जिहड़े पशु इन्हां पहचानदा है ना, वेख के कहन लगे ते 3 क साल पहला ये चोरी होए सी, आ मज ते मेरी चोरी होई सी। ते जदों इदां कहना वी चोरी होई सी, वो कहन लग्या चोर कोई होर नहीं हो जे तेरे सामने खड़ा मैं चोरी करके लग्या सी। हुण कोई मनदा जी इदां? वो भी 3 साल बाद मौके ते फड़िया जावे वो अलग गल है, भी मौके ते फड़िया गया मन जाएगा वो अलग गल है। पर 3 साल बाद किसी नूं इदां फील हो जाए, एहसास हो जाए कि मैं गलत कीता है, तो वह समान वापस मुड़न आ जाए, तो मैं कहना गुरु की कृपा नालों घट नहीं जाए कि इदां दा तुहाडे अंदर दा ख्याल पैदा होता है। वो कहन लग्या मैं चोरी करके लग्या सी मज मैं लेके गया। जिमीदार नूं ना इस गल की खुशी नहीं है कि मज मेरी वापस आ गई, उन्हें खुशी इस गल की हुई कि कमाल चोर ऐसा पहले दिन मिलया। चोर तो बथेरे वेखे होणगे पर ऐसा पहली बार वेखे भी इन्ने साल बाद भी कोई इदा कोई समान वापस देन आ जाए। कहने लग्या भरावा पहला मैनू माफ कर दे, मैनू माफ़ी दे कि तेरे घर विच दुध पीण दे लई एक पशु सी ते मैं लै गया चोरी करके। वो बड़ा हैरान है, नाले माफ़ी मंगता है ते नाले पता की कहिंदा झोली करके दे। उन्हें झोली की पैसे गहने उहदी झोली विच पा दित्ते, कहन लग्या इन्ना असीं दुध पीता है दा, कोई सतनाम श्री इन्ना कहिंदे असीं दुध भी पीता है दा। वो उहदी होर हैरानी ना रही भी कमाल हो गई आ, आते जमा ही हद ही हो गई आ, कि चलो मज वापस करना आ गया इन्ना ही बड़ा है, हुण जिहड़ा दुध पीता है वह भी वापस करना आ गया। कहिंदा भी पहला मैनू ये दस कि तेनू ये एहसास कितों होया। वह कहिंदा पहला ये कह के तेनू माफ किया, बाकी गल तेनू बाद च दसूं, पहला ये मूंह कह के तेनू माफ किया। कहिंदा वो तो कोई ना मैं कह देंगे दस तो सही है, तेरे अंदर बदला आया किवें? कहिंदा बाद च दसू, पहला कह के माफ किया, आ समान भी लै, आ तेरे पशु ने, आ सारा कुछ कह माफ किया। कहिंदा कोई ना माफ किया दस। कहिंदा ये कृपा मैं खडूर साहब गुरु अंगद देव महाराज कोल जाना सा, ते उत्थे उन्हां दे प्यारे गुरसिखां वल वेख्या, उन्हां दी रहणी बहणी वेखी, उन्हां दा नितनेम वेख्या, उन्हां दा गुरु नाल प्रेम देख्या, मन विच एक ख्याल पैदा हो गया कि मैं भी इदां दा बनना। आखो सतनाम श्री। हुण सुणियो जी ध्यान नाल, एक वडियाई है कि तुसी अपने मुख तो कहिंदे रहो कि गुरु नानक धन ने। हाँ जी, एक वड्याई आप इदां करदे कि गुरु नानक धन ने, गुरु अंगद देव धन ने, पर तुसी कुछ मुखों बोलो ना, कुछ ऐसा करो कि तुहाडे वल वेख के कोई कवे कि दस ते सही संगत करदा किहदी है, तेरा गुरु आपे ही धन हो जाणा। तेरे गुरु की वड्याई बोलो आपे ही होई। हुण एक गल सुणियो, तुसी ना किसे कोल कहिंदे रहो मेरा पिता बड़ा महान है,
मेरा प्यो बड़ा कमाल दा, मेरे प्यो विच ज्ञान बड़ा कमाल दा, पर लोकां कोल तू इदां कहिंदा रहिंदा है। हुण एक काम करना शुरू कर दे, चंगे चंगे काम दुनिया च कर, चंगा चंगे लोकां विच बैठ, उठ लोकां दी मदद कर, तेनू कहना नहीं पैना, तेरे काम वेख के तेरे प्यो नू आपे ही धन कह देना भी उन्हां दा बच्चा है, कमाल ही है, जम्मण वाले भी कमाल ही ने। हाँ जी, मां भी इहदी धन्नी होणी है भी जिन्हां ने इस बच्चे नू जन्म दिता। हुण एक कही जाना कि मेरा पिता धन है, एक मेरी मां धन है, एक काम इदां दे कर देने वो आपे ही धन हो गए। ते गुरु अंगद देव महाराज जी दे लई उहनू कहना नहीं पिया कि गुरु अंगद देव जी धन ने, बस कहना मन लिया गुरु अंगद देव जी अगले की नज़र च आपे ही धन हो गए। कहन लग्या ऐसे गुरु दे मैनू भी करवा दर्शन, मैं भी जाना चाहना उन्हां कोल, मैं भी उन्हां दी संगत करनी चाहना, नाल लैके गुरु अंगद दे महाराज दे चरणा च आ गया। सतगुरु जी वेख के बड़े मुस्कराए। हुण हुंदा ही है जी, जदों कोई इत्थों तक दी मंजिल सर कर लवे, तय कर लवे, बड़ी खुशी होई गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह नूं आ मिलिया। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदा सतगुरु जी कृपा होई तुहाडी। फिर महाराज सच्चे पातशाह जिहड़ा नाल सेवादार आ, जिहड़ा आया जिहड़ा जिमीदार, महाराज उहनूं भी फिर सिखिया दिंदे ने, इहनूं भी नाल समझाउंदे ने। फिर इह दिणा जी इहनूं रंग चढ़ गया जी, इहनूं हुण अपनी किरत करदा है, अपनी मेहनत करदा है। हुण जदों वेला हुंदा भज के खडूर साहिब आ जांदा, जदों फ्री हुंदा भज के खडूर साहिब आ जांदा है। कदे लंगर च प्रशादे पकाउंदा है, कदे जूठे बर्तन धोंदा है, कदे संगतां दे जोड़े झाड़दा है। गुरु अंगद देव महाराज जी इहदे वल वेख वेख के खुश हुंदे, जिन्हों मिलदा है हस के मिलदा है, जिन्हों मिलता है खुश होके मिलता है। तो धन गुरु अंगद देव महाराज जी भी देखते हैं, कहिंदे इन्ना गुरसिखां दी धूड़ी शायद वाहिगुरु जी कहिंदे ने गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए, ऐसे गुरसिखां दी धूड़ी मिल जाए। प्यारिओ जिंदगी दे विच कुछ चंगा करना, रस्ता सही चुन लैना, यह भी बड़ी कृपा होनी चाहिए। तो सही ट्रैक ते आ गया है ना, ये भी बड़ी कमाल की कृपा है। कई बार आप जतन बड़े करते हैं, शायद अपने तो ट्रैक पकड़िया नहीं जे जाता, आप पकड़ नहीं पाते। तो कई ऐसे सज्जन होंगे ने, छोटी जी गल भी बड़ी तरीके समझ जाते हैं, ऐसी उन्होंने अंदर क्लिक कर दी है, गल बदल गई जिंदगी, उन्होंने सुभा बदल गया, उन्होंने उन्होंने मन च ख्याल पैदा हो गया, मना चाहे जो मर्जी हो जाए थोड़े च गुजारा कर लेना है, पर किसी नाल धोखा, बस बदल गया मन। गुरु आही तो चाहता साढ़े, होर गुरु की चाहता है।